नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले केंद्रीय मंत्री का निधन होने का समाचार प्राप्त हुआ है। तो क्या ये तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं क्या ये पूरी खबर है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का निधन, दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। राजनीति के चाणक्य व संचार क्रांति के मसीहा 95 वर्षीय पंडित सुखराम का मंगलवार यानी पिछली रात को निधन हो गया है। पंडित सुखराम ने दिल्ली में स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। इसकी जानकारी उनके पोते आश्रय शर्मा ने अपने फेसबुक पेज पर पिछली रात को शेयर की है। पंडित सुखराम के निधन से मंडी ही नहीं पूरे प्रदेश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं आपको बता दें कि 5 मई को पंडित सुखराम को मनाली में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। इसके बाद उन्हें मनाली से कुल्लू और कुल्लू के बाद क्षेत्रीय अस्पताल मंडी लाया गया था। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार होने के बाद 7 मई की सुबह पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम को मंडी शहर के कांगड़ी हेलीपैड से एयरलिफ्ट किया गया था। इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकारी हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया था। एम्स दिल्ली पहुंचने के बाद पंडित सुखराम को आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में उपचार शुरू हुआ था। इसके बाद 9 मई को भी पंडित सुखराम को दिल का दौरा पड़ा था। उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया था। पोते आश्रय ने दादा के निधन की सूचना फेसबुक पेज पर अपना बचपन का फोटो शेयर करने के साथ दी है। तो यही थी बड़ी विशेष खबर कि हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले से संबंध रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का निधन हो गया है। तो इन्होंने अंतिम सांस दिल्ली के एम्स में ली है। तो यही थी बड़ी विशेष खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।